दोस्तों बचपन से ही हमारी माएं जो होती है ना, वो दूध पीने के लिए अक्सर हमें डांटती भी हैं और इसके फायदे बताकर हमें समझाती भी हैं। दूध में विटामिन ए, के और B12, थायमिन और निकोटिनिक एसिड, मिनरल जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं, जो हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और इससे हमें ताकत मिलती है। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों को तो हम दूध पीने के लिए जोर देते हैं, लेकिन घर के बाकी सदस्यों को दूध के मामले में उतना ध्यान नहीं देते, जबकि बढ़ती उम्र में भी दूध उतना जरूरी है जितना कि बचपन में। वहीं दादी नानी से लेकर माँ भी अक्सर रात में सोते समय ही दूध पीने के लिए जोर देती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? अगर इसके पीछे की वजह पूछी जाए तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब होता है कि दूध के पौष्टिक गुणों की वजह से वो रात को दूध पीने के लिए कहती हैं। ऐसा कुछ हद तक सही भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही इसकी असली वजह नहीं है। दरअसल दिन के मुकाबले रात को दूध पीने के फायदे ज्यादा होते हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि रात को दूध पीने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। पहले बात कर लेते हैं रात में दूध पीने के क्या फायदे हैं। दूध में ट्राइटोफन और मेलाटोनिन होता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो विशेष रूप से रात के समय रिलीज होता है। ये नींद लाने, नींद का समय बढ़ाने और नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। वहीं ट्राइटोफन अमीनो एसिड है जो मूड को अच्छा बनाने वाले हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन बढ़ाता है। इसलिए रात को सोने से पहले दूध पीने से अच्छी नींद आती है और नींद की समस्या से निपटने में काफी हद तक मदद भी मिल सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक दूध का एंटासिड प्रभाव अपच की समस्या, एसिडिटी और सूजन के साथ ही पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं में भी काफी राहत दिला सकता है। इसके लिए ठंडा दूध फायदेमंद हो सकता है। ठंडा दूध पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी पेट के एसिड के प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है, जिससे एसिडिटी से राहत मिल सकती है। इससे पाचन क्रिया भी बेहतर हो सकती है। इस तरह अगर सोने से पहले दूध पिया जाए तो पाचन की क्रिया को बढ़ावा दे सकते हैं और हाजमा भी दुरुस्त कर सकते हैं। दूध और दूध से बनने वाली चीजों का सेवन करने से शारीरिक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। डेयरी उत्पाद में अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। इस वजह से दूध के सेवन से इस शरीर को अधिक कैलोरी और ऊर्जा मिल सकती है। वहीं हमने आपको ये बताया कि रात में दूध पीने के फायदे गहरी नींद में मदद कर सकते हैं, जिस वजह से ज्यादा आराम की स्थिति में शरीर ऊर्जा का भी अधिक संचार करता है और सुबह उठने पर शरीर को अधिक ऊर्जावान महसूस करा सकता है। अगर तनाव की समस्या है तो इसमें भी रात को दूध पीने के फायदे मिल सकते हैं। एक स्टडी से इसकी पुष्टि होती है कि रात को दूध पीने से दूध का एंग्जियोलॉटिक प्रभाव नजर आता है, जो चिंता संबंधी डिसऑर्डर कम कर सकता है। दूध में एंग्जियोलॉटिक प्रभाव के तौर पर ट्राइपेप्टिक हाइड्रोलाइजेट होता है, जो डायजेपाम जैसा प्रभाव डाल सकता है। दूध का ये गुण ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करके एक एंटी स्ट्रेस के तौर पर कार्य कर सकता है। सोते समय दूध पीने के फायदे त्वचा की नमी बढ़ाकर ड्राई स्किन की समस्या से छुटकारा भी दिला सकते हैं। दूध में फॉस्फोलिपिड होता है, जो स्किन में नमी बढ़ाने और त्वचा की सूजन कम करने में मदद कर सकता है। इससे त्वचा के कार्य करने की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है। इस तथ्य की पुष्टि NCBI की ओर से भी उपलब्ध रिसर्च पेपर में होती है। जहाँ रात के समय दूध पीने के फायदे हैं, वहीं रात में दूध पीने के नुकसान भी देखे जा सकते हैं। अगर अधिक मात्रा में दूध का सेवन किया जाए तो दूध का लैक्टोज प्रभाव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का स्तर बढ़ा सकता है। जिन लोगों का शरीर पर्याप्त मात्रा में लैक्टोज का उत्पादन नहीं करता है, उन्हें दूध से एलर्जी हो सकती है। ऐसे में उन्हें दूध पीने के कारण पाचन से जुड़ी समस्या जैसे दस्त, पेट फूलना, गैस बनना, पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। इसे लैक्टोज इंटॉलरेंस भी कहा जाता है। गाय के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन हाइपर सेंसिटिविटी के कारण विशेष रूप से शिशुओं व छोटे बच्चों में दूध और दूध के उत्पाद कब्ज का कारण बन सकते हैं। इसीलिए जहां दूध पीने के फायदे हैं, वहां नुकसान भी हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के जरिए बताया कि सोते समय दूध पीने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, और साथ ही ये जानकारी भी दी कि रात में दूध पीने के क्या क्या नुकसान हैं। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।